वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। समाजवादी पार्टी बहुत बौखलाहट में, तीन चुनाव हार चुके हैं, चौथा हारने जा रहे हैं। जमीनी हकीकत हमको तो पता है क्योंकि हमारा संगठन बूथ तक है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टिकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियाँ आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें। लेकिन ना जिन्ना उनको जिता पाएंगे, ना अतीक अहमद जिता पाएंगे, ना अंसारी जिता पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता कमल खिलाई है, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका मतलब जो लाभ है जनता को, ईमानदारी के साथ उस तक पहुँच रहा है। यहाँ गुंडागर्दी थी, माफियागिरी थी, उसका अंत हुआ है। जनता बहुत सुकून महसूस कर रही है। हम चाहते सबके जीवन खुशहाल। मैं सुबह निकला था यहाँ से और लगातार यात्रा चली है। गाजीपुर के बॉर्डर से लगभग 1 बजे यात्रा शुरू हुई है। यात्रा, और कभी कभी ऐसी यात्राएं करनी चाहिए जो लंबी हों, क्योंकि हिस्टोरिकल यात्रा इसलिए कहूँगा कि एक ही दिन में पूरे एक्सप्रेसवे पे चलना। एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक तो था, वो यात्रा तो पूरी हो गई एक्सप्रेसवे की, लेकिन ये समझना कि असली यात्रा ख़त्म हो गई, अभी असली यात्रा के लिए जाना और आगे है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से समर्थन इस यात्रा में मिला है गाजीपुर से लखनऊ तक, आने वाले समय में जनता इसी तरह का समर्थन देकर के एक बार दोबारा समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी।